आप सभी को मेरी ओर से हाय हेलो नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं रियलमी ऑन के साथ आईफोन एक्स। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों, जो स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को बोलूंगा, जो मोबाइल जीतेगा या फिर रियलमी हो सकता है या फिर आईफोन एक्स हो सकता है, उसको एक एक करके नंबर दिया जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। दोस्तों, आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है 8.1 जो ओरियो होता है रियलमी ऑन पे। और दोस्तों, यहाँ पे आईफोन एक्स पे आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, मतलब ओएस मिलता है V11। दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का अलग अलग है, एक पे है एंड्रॉइड और दूसरे पे है मैक। तो यहाँ पे दोनों मोबाइल को एक एक नंबर दिया जाता है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं सिम स्लॉट के बारे में। रियलमी ऑन मोबाइल पे आप दो सिम कार्ड यूज कर पाएंगे, दोनों सिम ही नैनो होगा, लेकिन यहाँ पे आईफोन एक्स पे आप सिर्फ एक ही सिम कार्ड यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे रियलमी को एक नंबर ज्यादा मिलता है। तो आप बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन साइज मिलता है 6.0 रियलमी ऑन मोबाइल पे, और आप लोगों को आईफोन एक्स मोबाइल पे स्क्रीन साइज मिलता है 5.8 इंचीज। मतलब यहाँ पे रियलमी को एक नंबर ज्यादा दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो आपको रियलमी ऑन पे आप लोगों को स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगा 1080x2160 पिक्सल। और साथ ही साथ आईफोन एक्स पे आप लोगों को स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल रहा है 1125x2436 पिक्सल। दोस्तों, स्क्रीन रेजोल्यूशन के मामले में यहाँ पे आईफोन एक्स को यहाँ पे एक नंबर और ज्यादा दिया जाता है। और दोस्तों, स्क्रीन पिक्सल पीपीआई दिया गया है रियलमी ऑन पे 402 PPI, और यहाँ पे आप लोगों को आईफोन एक्स पे आप लोगों को पीपीआई मिलता है 463 PPI, आप लोगों को रियल आईफोन एक्स पे मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आईफोन एक्स को एक नंबर और ज्यादा दिया जाता है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं चिपसेट के बारे में। रियलमी ऑन पे आप लोगों को चिपसेट मिलता है मीडियाटेक हीलियो P60। दोस्तों, 2018 साल में ये चिपसेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है, मीडियाटेक का हो सकता है, लेकिन इसका जो पावर है काफी अच्छा खासा पावर आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा आईफोन एक्स पे आप लोगों को जो चिपसेट मिलता है वो एप्पल का अपना चिपसेट होता है, वो A11 बायोनिक चिपसेट आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे दोनों कंपनी को एक एक नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को रियलमी ऑन पे प्रोसेसर मिलता है 2 GHz प्रोसेसर आप लोगों को मिल जाएगा कोर्टेक्स A73 के साथ। इसके अलावा आप लोगों को आईफोन एक्स पे आप लोगों को हेक्साकोर 2.53 GHz प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में यहाँ पे आईफोन एक्स को एक नंबर ज्यादा दिया जाता है। तो दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन के रैम के बारे में। दोस्तों, रियलमी ऑन पे आप लोगों को रैम मिलता है 6 GB, और आईफोन एक्स पे आप लोगों को रैम मिलता है सिर्फ 3 GB। दोस्तों, रैम के मामले में यहाँ पे रियलमी ऑन को एक नंबर ज्यादा दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में। आप लोगों को रियलमी ऑन पे स्टोरेज मिलता है 128 GB, उसके साथ आप लोगों को आईफोन एक्स पे मिलता है 64 GB का स्टोरेज। तो दोस्तों, यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी लगा भी सकते हैं रियलमी ऑन पे, लेकिन आप आईफोन एक्स पे एक्सटर्नल मेमोरी नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रियलमी को यहाँ पे एक नंबर और ज्यादा दिया जाता है। तो दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं इन दोनों फोनों के कैमरे के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को रियलमी ऑन पे कैमरा मिलता है, पीछे की तरफ एक कैमरा मिलेगा, 13 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और आईफोन एक्स पे आप लोगों को जो कैमरा पीछे की तरफ डुअल कैमरा मिलेगा, और दोनों कैमरा 12 MP का है। और दोस्तों, अगर आप कैमरा अपर्चर के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को रियलमी ऑन पे आप लोगों को कैमरा अपर्चर मिलेगा 2.2, और यहाँ पे आप लोगों को आईफोन एक्स पे कैमरा अपर्चर मिलता है 1.8F। तो दोस्तों, यहाँ पे कैमरा के मामले में यहाँ पे आईफोन आगे है, तो आईफोन को एक नंबर ज्यादा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप पीछे ही कैमरा से कोई फोटो क्लिक करते हैं, उसका अगर इमेज रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो इमेज रेजोल्यूशन आप लोगों को रियलमी ऑन पे मिलता है 4128x3096 पिक्सल। और दोस्तों, यहाँ पे आईफोन एक्स पे अगर आप इमेज रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, वो आप लोगों को मिल रहा है 4000x3000 पिक्सल। दोस्तों, इमेज रेजोल्यूशन के मामले में यहाँ पे रियलमी ऑन को एक नंबर ज्यादा दिया जाता है। और दोस्तों, कैमरे फीचर्स के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो आप लोगों को 10x डिजिटल जूम मिल जाता है, ऑप्टिकल जूम मिल जाता है आईफोन एक्स पे। तो दोस्तों, कैमरे फीचर्स के मैं अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आईफोन एक्स पे ज्यादा फीचर्स दिया गया है, तो यहाँ पे आईफोन एक्स को एक नंबर ज्यादा दिया जाता है। और दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में अगर बात करते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप रियलमी ऑन पे कर पाएंगे 1920x1080, आप 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आईफोन एक्स पे आप हार्डली कर सकते हैं 3840x2160, वो भी 60 FPS। और दोस्तों, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी यहाँ पे आईफोन एक्स आगे है, तो आईफोन एक्स को यहाँ पे एक नंबर और ज्यादा दिया जाता है। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में। आप लोगों को रियलमी ऑन पे फ्रंट कैमरा मिलता है 8 MP का, और आईफोन एक्स पे आप लोगों को मिलता है 7 MP का फ्रंट कैमरा। और दोस्तों, फ्रंट कैमरा का जो अपर्चर है दोनों फोनों में 2.2F अपर्चर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा के मामले में यहाँ पे रियलमी ऑन को एक पॉइंट ज्यादा मिलता है।
तो दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। दोस्तों रियलमी ऑन पे आप लोगों को बैटरी मिलता है 3410 mAh और दोस्तों आईफोन एक्स पे आप लोगों को बैटरी मिलता है 2716 mAh। दोस्तों बैटरी के मामले में भी यहाँ पे रियलमी आगे है, तो रियलमी के यहाँ पे एक नंबर और ज्यादा दिया जाता है। तो दोस्तों आप फाइनल काउंटिंग देख सकते हैं, जो विनर है वो आपके सामने है। आप कौन सा फोन लेना पसंद करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और कॉमेंट करने से पहले आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिए, आईफोन एक्स का जो प्राइस है वो 80,000 से ऊपर है और रियलमी का जो प्राइस है 14,000 है, मतलब 13,990 रुपए। तो प्राइस को हिसाब आपने ध्यान में रख के आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।